कल भोजपुरी रंगमंच को समर्पित नाट्य संस्था रंगशिरी ने अपनी नवीन प्रस्तुति भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉ. राजेंद्र प्रसाद के जीवन पर भोजपुरी नाटक देश रत्न का जोरदार मंचन मैथिली भोजपुरी अकादमी दिल्ली के संयुक्त तत्वाधान में LTG ऑडिटोरियम में किया। नाट्य लेख श्री अभिजीत चक्रवर्ती का था, जिसे भोजपुरी में रूपांतरित एवं निर्देशित किया था भोजपुरी के जाने माने रंगकर्मी व रंगश्री के संस्थापक श्री महेंद्र प्रसाद सिंह जी ने। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में पूर्व सांसद राज्यसभा श्री आर के सिन्हा मौजूद रहे। राजेंद्र आओ जमुना तू सुना कदरे आप हम काल सुना दे मौलवी साहिब आज ठीक से याद नहीं के भइल यही से ने कहलू कि सबक अमकता कर मगर तू दोनों सुबे ना कर अब राजेंद्र के देख तू लोग से पहले आवेला आपन सबक अमुक्ता को के नया सबक पढ़े ले चलो चलो तू दोनों जल्दी सबक अमुक्ता करो राजेंद्र सुनाब उ दिन में जो सबक सिखेले रही वह सुनाब कदरे अफियत कसी दानत की बा मुसीबत गिरफ्तार आये वाह बहुत बढ़िया वाह वाह। नाटक में दिखाया गया कि बचपन से ही राजेंद्र बाबू की माँ उन्हें रामायण और महाभारत की कहानियां सुनाया करती थी। उनकी शुरुआती शिक्षा फारसी में हुई, उसके उपरांत वह पटना और फिर कलकत्ता पढ़ने गए। राजेंद्र बाबू सादगी के मूरत थे और इतने होनहार विद्यार्थी थे कि उनकी कॉपी जांच रहे परीक्षक ने उत्तर पुस्तिका में लिख दिया था, परीक्षार्थी कई परीक्षक से बेहतर है। सर, राजेंद्र कहत रहे कि रहुआ एक रंग अठवा क्लास से फना के सीधा छठा क्लास में भेजल चाहत बानी। अरे हेने आओ हेने आओ जी, ये जितना नंबर ले आई बन आज ले यहाँ केहू नहीं खेलाई, ऐसे इनका तो प्रमोशन एकदम मिले के चाहिए। धन्यवाद सर। बाकी सर एक क्लास लाऊंगा इले पर ये पढ़ाई में कमजोर ना हो जाए, जब सतवा क्लास का पढ़ाई ना करी तो छठवा क्लास का पढ़ाई कैसे समझी सर। ई बताओ कि तू एह बात की हमरे से बेसी जानता रह ना सर, तो जवन हम कहतनी ओकरा के मान। ठीक बा सर, एकदम एकदम खुश रह। उन्होंने गांधी जी के साथ मिलकर हर आंदोलन में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया, जेल गए, अंग्रेजों की लाठियां खाई। जब भारत आजाद हुआ तब संविधान बनाने के लिए गठित कंस्टिट्यूएंट असेंबली के अध्यक्ष राजेंद्र बाबू को बनाया गया। 4 बज गए हैं और मेरे जागने का यही समय है। बाबू, हम सब आपसे कुछ कहना चाहते हैं। जी बाबू। हाँ, कहिए ना, क्या बात है? हम सब आपके साथ, हम सब गांव-गांव जाएंगे, किसानों के घर घर जाएंगे और सबसे उनका हाल चाल पूछेंगे। तो आपको खूब जांच परख कर सुनना होगा जी, और फिर उसे दर्ज भी करना होगा जी बाबू, ताकि सरकार को भेजा जा सके जी बाबू। बिल्कुल ऐसा ही होगा। और बाबू, अगर आपको भगवान ना करे जेल हो जाता है तो हम सब जेल जाने के लिए तैयार जी बाबू, और अगर हम लोगों को जेल में जाता है तो हमारे बाद वाले जांच करते रहेंगे, लेकिन जांच नहीं करेंगे। ये तो बहुत अच्छी बात है, अब तो किला फतेह होकर ही रहेगा जी बाबू। चलिए टहलते हुए बात करते हैं। इस नाटक में करीब 30 कलाकारों ने भाग लिया, उन सब के नाम हमारे लिए लेना मुश्किल है, इसलिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उनके नाम देख सकते हैं।
और जो सबसे बड़ी बात थी वो यह थी कि इन कलाकारों ने अपने मंचन के द्वारा दर्शकों का दिल जीत लिया। नाटकों की जो प्रस्तुति है वो बहुत ही महत्वपूर्ण होती है और इन मंचों पर अपनी कला का प्रदर्शन करके ना जाने कितने कलाकार, बड़े बड़े कलाकार आगे बढ़े, लेकिन वो कहीं भी पहुंच गए उन्होंने जो नाटक का स्टेज था वो कभी नहीं छोड़ा। तो आपसे विदा लेते हैं, जुड़े रहें रेडियो द्वारका के साथ।